सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ इंदौर में कृषि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगे रखी, साथ ही सरकार को खुली चेतावनी भी दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कृषि नीतियों के खिलाफ इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में पिछले 15 दिनों से स्टूडेंट्स का हंगामा और हड़ताल जारी है। इतना ही नहीं, छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी भी कर दी। वहीं अब छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, साथ ही सरकार को खुले शब्दों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। जो हम लगातार 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, दोनों विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयराजे सिंधिया जो विश्वविद्यालय ग्वालियर, दोनों के छात्र जो 15 उसके तहत महाविद्यालय आने वाले हैं, वो समस्त कृषि छात्र 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो एक उसमें जो गलत बात फैलाई जा रही है कि कृषि छात्र हैं वो कृषि के निजीकरण के खिलाफ हैं। हम यह बताना चाह रहे हैं कि हम कृषि निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, हम कृषि निजीकरण में जो तरीका अपनाया जा रहा उसके खिलाफ हैं। कि जो तरीका ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग में है, एक नियम के तहत वो पूरा चलता है पूरे भारत में, कि किस तरह से वहाँ पर एक नॉर्म्स होना चाहिए एक डॉक्टर बनने के, वही ICR के तहत जो अभी नियम बनाए गए उन नियम को तोड़कर यहाँ पर मध्य प्रदेश में उनका लगातार कार्य जारी है। इसके कारण जो फर्जी कृषि स्नातक निकल रहे हैं वो जाकर अगर जब लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर और साइंटिस्ट बनेंगे और गलत सलाहें, गलत इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाएंगे, सीड बनाएंगे, तो वो किस तरह से समाज में नुकसान पहुंचा पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकार से की तरफ से जो गलत फरमान निकाला गया है उसको, कि एग्रीकल्चर को सही तरीके से उसमें रोक करा जाए। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि सरकार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की मांगों पर ध्यान देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।